सक्सेनामाइड रिएक्शन। पहले तो ये समझे कि एन ब्रोमो होता क्या है, आपके दिमाग में भी होगा एन ब्रोमो सक्सेनामाइड क्या है। ये सक्सेनिक एसिड है, आप जानते हो, बोलो या सुनो, ये सक्सेनिक एसिड है, ठीक है। अब ये सक्सेनिक एसिड है तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा इस जगह सक्सेनामाइड NH, पक्का, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, या सुनो OH हटाओ और एमाइड बना दो, तो ये क्या हो गया सक्सेनामाइड, ये सक्सेनामाइड हो गया। अब इस हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को आपने निकाल दिया और C C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, तो यहां N ब्रोमो सक्सेनामाइड, ये है NBS, NBS, N पे ब्रोमीन आ गई हाइड्रोजन की जगह, तो इसको बोलेंगे N ब्रोमो सक्सेनामाइड, क्लियर है। N ब्रोमो सक्सेनामाइड की खास बात क्या है कि ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल देता है, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस जगह, खास बात ये किस जगह देता है, एलाइलिक पोजीशंस पे, कौन सा एलाइलिक पोजीशंस। तो कुल मिला के आसान भाषा में अगर मैं बात करूं कि एलाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन को हटाता है, तो ये एलाइलिक पोजीशन होती क्या है, कौन सी पोजीशन एलाइलिक होती है, आपको मैं बता दूं, ये वाली पोजीशन होती है विनाइल, कौन सी होती है विनाइल, ये होता ही है एलाइल, आपको तो याद ही होगा, और यानी और ये पोजीशन क्या होगी, इसका कोई नाम नहीं है, ये अगर नाम रखना चाहो तो इसको बोलेंगे अल्फा और इसको बोलेंगे फिर बीटा, तो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन हमारे लिए क्या रहेगा, एलाइलिक पोजीशंस। तो कुल मिला के हमारे पास जब NBS लिखा हो, NBS, तो हम क्या करेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराएंगे और सिंपल सा यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे, बस यही है, ये हमें यहाँ नहीं लगाना, हमें यहाँ नहीं लगाना, हमें यहाँ नहीं लगाना, हमें यहाँ लगाना है, ये NBS का खास बात है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, लेकिन आगे एग्जाम्पल लिखें उससे पहले इसकी थ्योरी लिखी जाए, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड क्या काम करता है, लिखिए दो लाइनें इसके नाम लिखिए, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड NBS शो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड एलाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन एटम। ठीक है, ये हमारे लिए रिएक्शन हो गई। अब अगर ये सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगी आपको, ऑब्वियसली बेंजीन पे CH3, तो जैसे ही मैंने NBS लिखा आप क्या करेंगे CH2Br लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये CH3 एलाइलिक पोजीशन पे है, आप चाहो तो बना सकते हो, आप एक और देख सकते हो CH2Br होगा। अगर मैंने यहां पर NBS लिख दिया तो BR कहां आएगा, इस जगह, क्योंकि ये पोजीशन एलाइलिक है इसके साथ, देखो ध्यान से, तो BR कहां अटैच करना है वो आप दूसरे एग्जांपल देख लीजिए, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड, और ये एग्जांपल थर्ड, बस एलाइलिक पोजीशन से देख लेना, एल्कीन के जो अल्फा पोजीशन है, एल्कीन के लिए जो अल्फा हाइड्रोजन है बस उसी को रिप्लेस करना है, वो आपके लिए इजीली रिप्लेस हो जाएगा इस बीआर से, क्योंकि क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा आसानी से निकलता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है, और जब अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है यहाँ पर तो वो फ्री रेडिकल स्टेबल भी होता है रेजोनेंस से, तो नॉर्मल अल्फा हाइड्रोजन इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो NBS के साथ रिएक्शन दे पाए।